4 फरवरी को छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह के दौरान कुछ छात्रों ने जब हंगामा किया तो पुलिस ने इन छात्रों के हंगामे के बाद युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा और उनके साथियों को हिरासत में लेकर उनके साथ कथित रूप से मारपीट कर दी थी। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखन पटेल और उनके नेतृत्व में अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया है। इस शिकायती आवेदन के माध्यम से छतरपुर के 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर मारपीट के आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध FIR की मांग की गई है। सुनिए युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने क्या बताया। जी, आज किस तरह का ये आवेदन दिया है आपने? क्या जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 4 तारीख को TI अरविंद दांगी, SI दीपक यादव और रूपेश कबीर समेत 4 पुलिस वालों ने मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की थी। हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी के साथ 15-20 लोग बैठे हुए थे। सभी लोगों को पुलिस उठाकर ले गई थी, मोबाइल छड़ा लिए थे और इसके बाद फिर हमें बेरहमी से मारा पीटा गया था। मैं तत्काल डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, डॉक्टर ने PMLC भी की है। इसके बाद आज हम उनका आवेदन उन 3 लोगों पर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर हमने थाना सिविल लाइन में आज आवेदन दिया है और उन्होंने जिस प्रकार से मतलब प्रताड़ित किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से SP सचिन शर्मा के निर्देशन में, और वो भी हमें लगता है किसी ना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से निर्देशन ले रहे थे कि इनको आज मारपीट करके इनकी राजनीति समाप्त करना है। इतने गलत जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है आज TI दरबार अरविंद दांगी जी हों या फिर दीपक यादव हों, इन लोगों दोनों लोगों ने तो मतलब बहुत ही मानसिक प्रताड़ित किया है। तो आज हम उनका आवेदन देने के लिए सिविल लाइन थाने में आए। हाँ बिल्कुल, SP सचिन शर्मा जी के कहने पर ही अरविंद दांगी, दीपक यादव और रूपेश कबीर समेत 3 अन्य पुलिस वालों ने मारपीट की। युवा मोर्चा ने भी आज आवेदन दिया है और बताया है कि साजिश की गई है आप लोगों ने हंगामा करने की, इसको लेकर क्या कहें? आप लोगों ने अगर जो युवा मोर्चा के साथ छात्र छात्राएं थी, अगर आपने उनका इंटरव्यू लिया होता तो शायद आज आपको पता चल जाता कि कैसे इसमें पूरी मशीनरी एक काम कर रही है, किस प्रकार से अधिकारियों के दबाव में आके उनने सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कैसे हमारे खिलाफ ये एक आवेदन दिलवाया है। और आप खुद सोचिए कि युवा, आप तो चूंकि सभी लोग साथ में रहे हैं, आप खुद बताइए कि हम लोग SP साहब को कम से कम 10 बार ज्ञापन देने के लिए गए हैं, आज तक SP सचिन शर्मा जी ने हमारा डायरेक्ट आवेदन नहीं लिया है और आज युवा मोर्चा के एक मामूली सी बात पे SP साहब खुद आ गए ज्ञापन लेने के लिए। तो व्यक्तिगत इंटरेस्ट दिख भी रहा है, उन पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव पुलिस प्रशासन पर स्पष्ट। जिस तरीके से आपके शहर के विधायक हैं वो आपके साथ नहीं है, क्या वजह है? देखिए, 3 जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मुझे तो एकदम स्पष्ट है कि उन लोगों को भी इस लड़ाई में आगे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है वो जाने, अगर वो समर्थन में रहते तो हमें लगता नहीं है कि इन पुलिस वाले हम लोगों के साथ मारपीट करते। मतलब 3 दिन में आपने एक बार फ़ोन से पूछा तक नहीं कि लोकेन तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो हमें लगता नहीं है कि जनप्रतिनिधि संगठन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं तो स्पष्ट बोलूँगा, मैं ना कभी किसी से डरता हूँ, एकदम साफ बात करता हूँ। इस शिकायती आवेदन के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लखन पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने भी पुलिस की इस कार्रवाई को शिवराज सरकार की बर्बर कार्रवाई बताया। आज हमारे यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकन वर्मा जी को जो 5 तारीख को पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित साथी हमारे आए हैं, लोकन वर्मा जी के साथ आए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना सिविल लाइन। किसकी ऊपर कार्रवाई चाहते हैं आप? पुलिस के खिलाफ में जिन जिन लोगों ने मारपीट की है, जैसे अरविंद जी है, यादव जी है, तो ऐसे जिन लोगों नाम बताया। आपको भी कांग्रेस कार्य से पुलिस उठा ले गई थी, 4-5 घंटे रखा, क्या वो क्या? जी, 5 तारीख को 11 बजे हम लोग कांग्रेस कार्यालय में बैठे थे, 20-25 लोग थे, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, ये तमाम लोग हम लोग बैठे थे। पुलिस आई, हमको उठा करके ले गई, हमको जानकारी नहीं है कहाँ लिए जा रही है, हमारे मोबाइल छीन लिए, मोबाइल रख दिए छिना करके, कोई हमारी बात नहीं हो पाती, न किसी से संपर्क कर पाती, हमको 5:30 बजे पुलिस ने छोड़ा। आप जिला अध्यक्ष हैं, 3 विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस के एक भी साथ नहीं आया, क्या मानते हैं? क्या नहीं हो सकता है, वो कहीं निजी कार्यों में हूँ, बाहर हैं, मैंने सुना है कि वो आज बाहर हैं दिल्ली में। वो आपके साथ हैं?
वो सभी साथ में है। युवा कांग्रेस का आज अध्यक्ष का पद छोटा पद नहीं होता है, आपके कार्यक्रमों में सैकड़ों की भीड़ लेकर युवा कांग्रेस का पदाधिकारी आता था, लेकिन क्या सिर्फ मक्खी की तरह यूज करके फेंकने वाला काम कांग्रेस में किया जा रहा है? क्या कार्यकर्ताओं के साथ आज उतनी भीड़ जितनी होनी चाहिए उतनी भीड़ इसमें है नहीं? सिर्फ प्रमुख जिनसे पर्सनल व्यवहार है उतने लोग दिखे? देखिए, हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जो मैन मुख्य पदाधिकारी हमारे जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं, सुनिए, नहीं मुख्य धरोहर है वो बाहर हैं,